बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज का जो लेक्चर है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बॉडी फ्लूइड्स और जो फ्लूइड थेरेपी होती है बेसिकली, और न्यूट्रिशन, बॉडी को कैसे प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट डिजीज स्टेट्स के अंदर। और इसको हम लोग थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे, उसके बाद बच्चे हम लोग इसकी जो मैनेजमेंट है और जितनी भी डिटेल्स हैं सर्जरी और मेडिसिन दोनों के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइमरीली ये सर्जरी का कॉन्सर्न है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आपको अगर फिजियोलॉजिकल पॉइंट एक बताता जाऊं तो एक रूल आपने याद रखना है, दैट इज नोन एज 60-40-20 रूल। 60-40-20 रूल का ये मतलब है कि इंसान का बॉडी वेट जितना भी होता है उसका जो 60% होता है दैट इज एक्चुअली टोटल बॉडी वाटर, और उस टोटल बॉडी वाटर में से आप कह लें कि उसके दो फर्दर कंपार्टमेंट्स होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। तो टोटल बॉडी जो आपका बॉडी वेट होता है उसका 40% जो होता है दैट इज एक्चुअली ICF, ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो उसका 20% होता है दैट इज एक्चुअली ECF। तो बात बताने का बेसिक पर्पस ये है कि जो टोटल बॉडी वाटर है इसकी टू कंपार्टमेंट्स है फर्दर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का कंपार्टमेंट, खुद ये 60% है, और आगे से फर्दर अगर देखा जाए तो ये 40 है ये 20 है, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है 40+20 दैट इज 60%, और वो टोटल बॉडी वाटर बनता है एक्चुअली। ठीक है, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो मेजर आयन्स होते हैं दे आर एक्चुअली पोटाशियम आयन्स और डाइवेलेंट आयन के अंदर दैट इज मैग्नीशियम आयन। ठीक है, ये क्या टाइम्स है मेजर एन आयन्स की अगर बात की जाए तो प्रोटीन जो होती है और साथ ही साथ ऑर्गेनिक जो फॉस्फेट्स होते हैं ये आपके एन एंड का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ECF की बात की जाए तो ECF की जो मेजर कैटायंस हैं इसके अंदर बच्चे सोडियम आ जाता है, और अगर एन एंड की बात की जाए तो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ये दोनों बच्चे आ जाते हैं इसके ECF के अंदर। अब यहाँ पे हमें एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो टोटल बॉडी वाटर है तो इसके अंदर जो ECF है दैट इज एक्चुअली 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, क्योंकि 20% है, और जो ICF है that is actually 2/3 of total body water, ठीक है, ये आपको इसकी normal fraction पता होनी चाहिए। इसके बाद बच्चे अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ECF है इसकी फर्दर क्या डिविजन है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की फर्दर टू टाइप की डिविजन है, एक है प्लाज्मा, ठीक है, और नंबर टू के ऊपर आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो प्लाज्मा है बच्चे दैट इज एक्चुअली 1/4 ऑफ ECF, ठीक है, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है That is actually 3/4 of ECF. तो अगर इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ कि टोटल बॉडी वाटर के हिसाब से प्लाज्मा कितना बनता है, तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा इज एक्चुअली 1/12 ऑफ टोटल बॉडी वाटर। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, मैंने अभी आपको लिखवाया था कि जो ECF होता है दैट इज एक्चुअली 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर, यही लिखवाया था ना मैंने। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं इससे तो ये बन जाता है 1/3 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 1/12 टोटल बॉडी वाटर, यानी प्लाज्मा जो है दैट इज 12th वैल्यू ऑफ टोटल बॉडी वाटर। फॉर एग्जांपल अगर एक फॉर एग्जांपल कह रहा हूं मैं, अगर एक बंदे के बॉडी में आप कह लो कि 60 लीटर फ्लूइड है तो उसमें से जो 5 लीटर होगा यानी कि उसका 12th पार्ट वो प्लाज्मा होगा जो कि ब्लड की फॉर्म में ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करें जो कि सेल्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे आप कह लें कि लिवर है, लिवर के सेल्स है, हिपेटोसाइट्स, तो उनके बीच में जो फ्लूइड कंपार्टमेंट है दैट इज इंटरस्टिशियम। ठीक है, जैसे स्प्लीन है, स्प्लीन के सेल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज एक्चुअली इंटरस्टिशियम, जो कि 3/4 है टोटल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का। तो आपने ये वाली बात यहाँ पे याद रखनी है कि प्लाज्मा एक्चुअली 1/12 होता है टोटल बॉडी वाटर का। ठीक है, तो बच्चे ये आपकी बेसिक कैटेगराइजेशन है फ्लूइड्स की। अब मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाता हूँ। जी बच्चे ये देखें कि ये बॉडी कंपार्टमेंट्स का एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर प्रॉपरली इसने एक्सप्लेन किया कि अगर एक बंदा जो है वो 70 kg का है तो उसका 60%। अब आप देखें कि दो वैल्यूज, दो डिफरेंट यूनिट्स को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। वेट जो है यानी कि जो मैथ एक्चुअली वो केजी के अंदर है और जो फ्लूइड है वो लीटर के अंदर है, लेकिन फिर भी हम लोग इस एक्सेप्शन को ओवरकम कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर एक बंदा 70 kg का है तो उसका 60% टोटल बॉडी वाटर है, तो जो उसकी 60% वैल्यू बनती है दैट इज एक्चुअली 42 लीटर। अगर आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप लोग ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर वो कैलकुलेट करके बता रहा हूँ।
70 kg उसका वेट है, मल्टीप्लाई करना है आपने 60% को, क्योंकि मैंने कहा 60% टोटल बॉडी वाटर होता है, और डिवाइड करना है 100 से, तो 0 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 67 आ जाएगा 42। 42 लीटर जो होगा वो एक 70 kg के बंदे के अंदर फ्लूइड होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, आप लोग इसको काइंडली सॉल्व कीजिए और उसके बाद अपना आंसर देखिए। मैं आपको इसके बाद छोटा सा आंसर एक बताऊंगा कि अगर एक बंदा जो है वो 90 kg का है तो उसके अंदर टोटल जो फ्लूइड होगा वो कितना होगा। काइंडली इस वीडियो को पॉज करें और इस एमसीक्यू को सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको इसके अंदर आंसर मिलेगा। तो आपका आंसर बच्चे एक्चुअली ये बनता है कि 90 kg का बनता है, उसके अंदर 60% जो होगा वो टोटल बॉडी वाटर है, 100 से मैं डिवाइड करूंगा तो उसके अंदर तकरीबन 54 लीटर फ्लूइड आना चाहिए। अगर आपका आंसर यही है तो आपका फिर न्यूमेरिकल करेक्ट है। अब ये देखें बच्चे, हम लोग इस डायग्राम को, इस फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करते हैं। टोटल वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया, फिर ये भी बता दिया कि इसकी फर्दर कॉम्पोजिशन क्या है। इंट्रासेलुलर इसके अंदर से 2/3 है जो कि 28 लीटर बनता है, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड तकरीबन 14 लीटर जो होता है बच्चे वो बनता है। ठीक है, उसके बाद देखें कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है उसकी फर्दर दो डिवीजन है, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड। इंट्रावास्कुलर में प्लाज्मा आ गया, ऑलमोस्ट 3 लीटर बनता है एक 70 kg के बंदे में, और एक्स्ट्रावास्कुलर 11 लीटर बनता है। ठीक है, एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड के अंदर बच्चे फिर आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि सेल्स के बीच में है, और ट्रांससेलुलर फ्लूइड। अच्छा, अब आपको बच्चे ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ट्रांससेलुलर फ्लूइड में क्या फर्क है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मैंने आपको कहा कि वो फ्लूइड है जो कि डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर बैथ कर रहा है, यानी कि उनको सराउंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन ट्रांससेलुलर फ्लूइड वो होता है जो कि डिफरेंट एपिथेलियल लाइन कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे आप कह लें CSF का फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, ऑक्यूलर फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, तो ये सारे आपके ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स बच्चे आपको यहाँ पे देता चलूं। एक तो आप लोग ये न्यूमेरिकल्स लिखें, इनको सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इनका आंसर देखें काइंडली। कि अगर एक बंदे के अंदर जो है, एक बंदे का जो मैस है दैट इज एक्चुअली 100 kg, ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि उसके अंदर प्लाज्मा कितना होगा। ठीक है, और बी पे मुझे आप लोग ये बताएं कि उसके अंदर जो होगा बच्चे ICF, बल्कि हाँ ठीक है, ICF जो होगा बच्चे वो कितना होगा। ये दो वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करके बताएं। जी बच्चे, मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यह है कि दैट इज एक्चुअली 1/12 ऑफ टोटल बॉडी वाटर। तो टोटल बॉडी वाटर तो हमने निकाला ही नहीं, 100 kg के बंदे के अंदर कितना होगा टोटल बॉडी वाटर, 100 × 60% डिवाइडेड बाय 100, यानी कि तकरीबन 60 लीटर उसके अंदर होगा टोटल बॉडी वाटर। उस 60 लीटर को अगर मैं डिवाइड करूं 12 से तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 5 लीटर। ठीक है, तो 5 लीटर यानी कि उसके अंदर प्लाज्मा होगा। अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात की जाए तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मैंने बताया था कि दैट इज एक्चुअली 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, तो टोटल बॉडी वाटर मेरे पास आया था 2 × 60 लीटर था डिवाइडेड बाय 3 इंटू ये डिवाइड कर 20 तो आ जाएगा 40 लीटर। 40 लीटर जो है उसके अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और 5 लीटर उसके अंदर प्लाज्मा। उसके बाद बच्चे ये देखें कि आप लोगों के लिए एक और ये डायग्राम है जो कि शो कर रही है कि GIT के अंदर डिफरेंट जो सिक्रेशन होती है उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है और उनका वॉल्यूम प्रोडक्शन क्या है पर 24 आवर्स। अब एक बात यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर कट बताते चलूं कि शायद आप लोगों की बुक्स के अंदर GI की सिक्रेशन की ये कॉम्पोजिशन नहीं दी हुई, बेले में तो दी हुई है और वॉल्यूम की प्रोडक्शन शायद नहीं दी हुई, लेकिन वाइवा के अंदर जब भी आप लोग को लॉन्ग केस मिलता है और वहां पे आपको कोई पेशेंट मिलता है तो अक्सर औकात सर्जरी और मेडिसिन के वार्ड्स के अंदर पेशेंट को कोई ना कोई IV फ्लूइड जा रहा होता है या उनके आसपास कोई ड्रिप स्टैंड मौजूद होता है, तो एग्जामिनर आपसे अक्सर पूछ लेते हैं कि भाई फ्लूइड पे मतलब आपका वाइवा शुरू हो जाता है। ये चीजें इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है और GI की सिक्रीशंस मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमारे एग्जामिनर्स ने हमसे खुद पूछी थी, तो अच्छे तरीके से बच्चे जो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ उनको कम अज कम लाजमी यहाँ पे हाईलाइट कर लें। अच्छा, तो बच्चे ये देखें कॉम्पोजिशन की बात कर रहा था, जैसे सेलेवा और स्टमक का आपको पता होना चाहिए कि एवरेज 24 आवर जो प्रोडक्शन है दैट इज 1500 ml पर 24 आवर्स, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ होल डे। ठीक है, ड्यूडेनम की तकरीबन 100 से 2000 तक है, इसकी रेंज अगर आप नहीं भी याद रखते दैट्स टोटली फाइन। आईलियम की लाजमी आनी चाहिए 3000 ml पर 24 आवर, यानी कि
सलाइवा और स्टमक की दोनों सिक्रेशंस को मिलाओ तो उससे भी ज्यादा उतनी मतलब आईलियम की बनती है पर 24 आवर्स। ठीक है, कोलोन की बहुत ज्यादा हो सकती है 100 to 9000, लेकिन आप 100 ना भी कहें, एक एवरेज वैल्यू कह दें तो भी नॉर्मल है, मतलब 3000 to 4500 ml पर 24 आवर्स। पैंक्रियास की भी बचे एवरेज वैल्यू कह दें 400 to 600 ml पर 24 आवर्स, और बाइल की कम अज कम आपको कहनी चाहिए 300 to 500 ml पर 24 आवर्स, ये आपको एवरेज वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आयंस का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दूं, लाजमी उनको नोट कीजिएगा। सलाइवा के अंदर सबसे अबंडेंट आयन जो होता है दैट इज पोटाशियम आयन, यानी कि जो मेजर पॉजिटिविटी है सलाइवा के अंदर वो पोटाशियम आयन की वजह से, सोडियम और क्लोराइड दोनों कम होते हैं। ठीक है, और जो मेजर एन आयन है दैट इज बाइकार्बोनेट। स्टमक की अगर बात की जाए तो इसके अंदर बचे जो मेजर कैट आयन है दैट इज सोडियम और एन आयन क्लोराइड है। बायकार्बोनेट जो होता है वो स्टमक ड्यूडेनम और कोलोन की सिक्रीशन में ऑलमोस्ट निल होता है। ठीक है, अच्छा ड्यूडेनम की अगर बात करें तो इसके अंदर भी सोडियम आयन प्रीडोमिनेट करता है और क्लोराइड साथ, जिस तरह बिल्कुल स्टमक की सिक्रीशन में था। आईएम की अगर बात की जाए तो सोडियम और क्लोराइड है और साथ बायकार्ब भी है, इसके अंदर चारों के चारों आयन जो है वो कंप्लीटली मौजूद है, जैसे सलाइवा में मौजूद है। ठीक है, पैंक्रियाटिक और बाइल सिक्रीशन में भी चारों आयन मौजूद होते हैं। कोलोन में रिच अमाउंट जो होती है वो सोडियम आयन की होती है, पैंक्रियास के अंदर बच्चे आपको पता होना चाहिए कि सोडियम की है और बाइल की, बाइल के अंदर भी सोडियम की ही सबसे ज्यादा अमाउंट है, लेकिन पैंक्रियाटिक और बाइल सिक्रीशन में ये डिफरेंस हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि बाइल कार्ब जो रिच सिक्रीशन होती है दैट इज पैंक्रियाटिक, और क्लोराइड एंड रिच सिक्रीशन जो होती है दैट इज बाइल। ठीक है, ये दोनों आपने डिफरेंस याद रखने हैं कि पैंक्रियास में इंपॉर्टेंट एन आयन जो है दैट इज बाइकार्बोनेट, और बाइल के अंदर इंपॉर्टेंट एन आयन जो है दैट इज क्लोराइड। नेक्स्ट बच्चे आपको जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर दैट इज, और वाइवा के अंदर भी, कि आपकी न्यूट्रिशन आप किस किस वे के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरेंटल मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, एंटेरल मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। एंटेरल मेथड्स के अंदर बच्चे देखें यहाँ पे मैं किस किस का नाम ले रहा हूँ, कि एक तो इसने यहाँ पे मेंशन किया है कि हम लोग सिंपली माउथ के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग माउथ के थ्रू तो आप तभी देंगे ना जब पेशेंट कॉन्शियस है या फिर आपके जो कमांड्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ मोटर रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन इसके अलावा अगर एक नॉर्मल बंदा है बिल्कुल जो अपनी हेल्थ को, हेल्थ की स्टेट जिसने मेंटेन की हुई है, तो उसके अंदर तो हम माउथ से ही देंगे, उसके अंदर हम बाकी वेज को कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ये बाकी वेज उनके लिए कंसिडर कर रहे हैं जो कि कोमेटोज होते हैं। ठीक है, या फिर आप ये मैं आपको इनकी इंडिकेशन डिटेल में भी बताऊंगा, या फिर वो लोग जो कि मतलब पार्शियल रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। तो एंटेरल मेथड्स के अंदर आता है कि आप नेजल या ओरल फीडिंग दे सकते हैं जो कि टर्मिनेट करती है कहाँ कहाँ पे, जैसे स्टमक के अंदर नेजोगैस्ट्रिक, नेजोड्यूडिनल, ठीक है, जो कि ड्यूडिनम तक जा सके, और नेजोजेजिनल, ये तीनों आपके नेजल मेथड्स हैं। उसके बाद बच्चे आती है गैस्ट्रोस्टोमी, जिसके अंदर आप लोग आर्टिफिशियल एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं एब्डोमिनल वॉल पे जो कि डायरेक्टली स्टमक के अंदर ओपन हो रही होती है। और जी नंबर पे इसने बताया जजनोस्टोमी, यानी कि आपने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे ओपनिंग क्रिएट की जो कि जजनम में डायरेक्टली ओपन हो रही है। तो ये छह मेथड जो है अदर देन द फीडिंग थ्रू माउथ, ये एक्चुअली एंटीरियर फीडिंग के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद पैरेंटल न्यूट्रिशन के जो मोड्स हैं जो कि जिसके जरिए जो रूट्स हैं दैट इज एक्चुअली सेंट्रल वेन के थ्रू और पेरिफेरल वेन के थ्रू हम लोग पैरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं। पैरेंटल से मुराद ये है कि जो हम लोग इंट्रावीनस सप्लीमेंटेशन देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जो नॉर्मल आपका जीआईटी का ट्रैक्ट होता है उसको बायपास करते हैं, जबकि एंटेरल न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग यूजली लिक्विड सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म की जो न्यूट्रिशन होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। एक ये चार्ट बच्चे आपको यहाँ पे बताता चलूं, ये आप लोगों का जितना भी पूरे का पूरा चैप्टर है ये आप लोगों की बुक से ज्यादा अच्छा मैं इस लेक्चर के अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बेले से भी ज्यादा अच्छा, तो इसको मेरे साथ कवर करने की कोशिश करें कि आप लोग किसी भी बंदे का जब न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस कर लेते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करने के जो मेथड्स हैं बच्चे वो आप लोग खुद रीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कुछ भी ऐसा समझने वाला नहीं है, सिर्फ याद करने वाला उसमें कंटेंट है, यानी कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस है, क्लिनिकल मेथड्स हैं। अगर आपने पेशेंट की न्यूट्रिशनल स्टेटस को एसेस कर लिया और वो एडिक्वेट है, यानी कि काफी है, ठीक है, उसकी न्यूट्रिशन, फिर आप उसको ओरल डाइट पे लेके जाएंगे।
ठीक है, और उसका जो ओरल जो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा उसको रेगुलरली असेस करेंगे, ठीक है। और आईवी जो उसका कनेक्शन होगा यानी कि आईवी रूट, आईवी जो उसकी लाइन होगी उसको सिक्योर करेंगे कि अल्लाह ना करे अगर उस बंदे में किसी भी किस्म की कोई स्टेटस चेंजेस आती हैं, कोई वो बेहोश हो जाता है या वो ओरली नहीं ले पाता, तो उसको हम लोग आईवी रूट के जरिए कुछ ना कुछ दे सकें, ठीक है। उसके बाद बच्चे हैं कि ये एक ऐसा पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है उसके लिए ये प्रोटोकॉल है। अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस एडिक्वेट नहीं है फिर आप लोग न्यूट्रिशनल सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके लिए आप लोग एक फीडिंग रूट को सेलेक्ट करते हैं। फीडिंग रूट सेलेक्ट करने के साथ साथ आप ये देखते हैं कि उसका जीआईटी जो है वो फंक्शनल है या नहीं। अगर है तो फिर आप ये देखते हैं कि एपेटाइट सेटिस्फैक्ट्री है और फिजिकली खाने के काबिल है, चबाने के काबिल है, एनगल्फ करने के स्वालो करने के काबिल है या नहीं, फिर आप लोग उसको ओरल डाइट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जितने भी मतलब सप्लीमेंट जो कि जरूरी समझे जाते हैं हमारे कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो यूज किया जाता है, दैट इज एनश्योर, ई एन एस यू आर ई, बहुत कॉमनली एक ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, फीडिंग रेजीम है, ठीक है। उसके बाद आप ये इसका ब्रांड नेम है मैंने जो आपको बताया। अगर वो फिजिकली नहीं एबल तो फिर आप लोग एंटीरल न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करते हैं बाय फीडिंग ट्यूब, और मैंने आपको डिफरेंट फीडिंग ट्यूब्स बताई हैं, नेजो गैस्ट्रिक, नेजो जजनल, नेजो ड्यूडेनल, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं ये सारे आपके एंटीरल फीडिंग के मेथड्स हैं थ्रू फीडिंग ट्यूब, ठीक है। उसके बाद है कि अगर उसका फंक्शनल जीआईटी ट्रैक नहीं है और शॉर्ट टर्म सपोर्ट आपने उसको प्रोवाइड करनी है और पेशेंट सिवियरली मैलनरिश नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने बच्चे क्या करना है कि उसको पैरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है पेरिफेरल वेन के थ्रू, ठीक है। और अगर वो है, ठीक है, तो फिर आपने एक सेकेंड, जी बिल्कुल, अगर सिवियरली मैलनरिश्ड है तो फिर आपको सेंट्रल वेन के थ्रू उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होगी। जो सेंट्रल वेन दो कॉमनली यूज की जाती है, सेंट्रल वीनस कैथेटर जो लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं या तो इंटरनल जगुलर वेन के अंदर या सबक्लेवियन वेन में, ये दोनों इंपॉर्टेंट वेज हैं सेंट्रल वेन के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के। काफी बच्चों के माइंड में ये वाला सवाल आएगा कि ये जो हमने ऊपर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ब्लू बॉक्स पड़ा है कि हम लोग ओरल डाइट देते हैं और ये जो नीचे ब्लू बॉक्स पड़ा है इनमें क्या डिफरेंस है। बच्चे ये बात समझने का पर्पज ये है कि एंटेरल मेथड के थ्रू हम लोग दो तरह से बेसिकली न्यूट्रिशन दे सकते हैं। एक तो है कि जो नॉर्मल इंसान को जो कि स्वालो रिफ्लेक्स जिसका पेटेंट है उसको हम लोग मुंह के थ्रू खाना दें, वो हम सब में कॉमन है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ब्लू बॉक्स ये शो कर रहा है, लेकिन अगर वो ये मुंह से नहीं ले पाता तो फिर हमें बाकी एंटीरियर न्यूट्रिशन के मेथड्स को कंसिडर करना पड़ता है जिसमें हम लोग फीडिंग ट्यूब को यूज करते हैं।